जितनी भी उम्मतें गुजरी उनमें एक कौम ऐसी गुजरी जिस कौम को अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा नेमतें अता फ़रमाई, इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने उनको फजीलतें अता फ़रमाई, इतने ज़्यादा अल्लाह ताला ने उन पर अपने इनामात की बौछार की कि वो कौम उसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मायल न हुई, अल्लाह की तरफ मायल न हुई। वो कौम बनी इसराइल की कौम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और दीगर जो अंबिया कराम हैं, वो इस इलाके की तरफ नबी पैगंबर रसूल बनकर आए। अल्लाह ताला ने इस कौम को ये बहुत बड़ा एज़ाज़ दिया कि इस कौम की तरफ सबसे ज़्यादा अंबिया कराम आए, और अंबिया कराम भी वो जिनमें कई रसूल हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, यानी जिनको अल्लाह ताला की तरफ से किताब भी मिली। नबी और रसूल में फ़र्क बता देता हूँ। नबी वो होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह का मुंतखब करदा दुनिया पर इंसान हो, अल्लाह का खलीफा हो, जिसके पास अल्लाह ताला की तरफ से वही आती हो, अल्लाह के फरिश्ते आते हों, वो तो है नबी। और रसूल वो होता है जिसके पास अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा किताब भी है, सहीफ़े भी उसके पास नाजिल होते हैं, और वो भी अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा अल्लाह ताला का खलीफा है अपनी कौम को राय रास्त पर लाने के लिए। आसान फ़र्क ये है कि रसूल वो जिसको अल्लाह ताला ने भेजा हो, किताब भी साथ दी हो, और नबी वो जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा हो लेकिन किताब ना दी हो। ये वो कौम है जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने अगर अंबिया कराम को भेजा तो नबी भी भेजे, रसूल भी भेजे, यानी वो भी अल्लाह ताला ने अपने बंदे मुंतखब करदा भेजे जिनको किताब भी दी गई, तौरात और इंजील, ज़बूर। देखो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तीनों इनकी तरफ नबी बनकर आए, तीनों रसूल हैं। अल्लाह ताला ने जो आसमान से किताबें नाजिल फरमाईं उनमें सबसे आखिरी किताब जो तमाम किताबों की सरदार कलामुल्ला अल्लाह ताला का कलाम, वो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया पहला पारा, पहली सूरत, जिसके बाद अल्लाह ताला ने एक बड़ी सूरत नाजिल फरमाई सूरतुल बकरा। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने इस कौम को दी जाने वाली नेमतों का कसीर आयात के अंदर इजहार किया। सबसे पहले अल्लाह ताला ने इजहार फरमाया या बनी इसराइल कुरु निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़लतुकुम अलल आलमीन। ये इसराइल उरियानी जुबान का लफ्ज़ है, ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम था। याकूब को उरियानी जुबान के अंदर इसराइल कहा जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया ए बनी इसराइल वालों, तुम याद करो अल्लाह की उन नेमतों को, वह अन्नी फजल तुकुम, अल्लाह के उस फजल को, अलल आलमीन, जो तमाम कौमों को, तमाम जहानों में जितनी भी अल्लाह ताला ने हर कौम को फजीलत दी, सबसे ज्यादा फजीलतें अल्लाह ने तुम्हें दी। इन सारी फजीलतों का मिल जाना अपनी जगह पर एक मकाम रखता है, अपनी जगह पर एक हैसियत रखता है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि ये खातमुन नबीयीन है, क्यों? इसके बाद अल्लाह ताला के पैगंबर आने थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस आखिरी हस्ती जो अल्लाह ताला के पास मौजूद थी, उनको अल्लाह ताला ने भेजना था। एक तो है अल्लाह की नेमत मिल गई, अल्लाह ताला की तरफ से फजीलतें मिल गई, उसके ज़ोर पे कहना कि हमारी कौम आला है, और एक ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर नेमतें मिल रही हैं तो उन नेमतों के साथ साथ अल्लाह ताला के दिए हुए अहकामात को भी मानना। ये तो नहीं कि अगर नेमत मिल जाए तो अपने लिए, फजाइल फजीलतें अपने लिए, अहकामात और मसाइल दूसरों के लिए।
ये तो कानून नहीं है ना। जब अल्लाह ताला की तरफ से इनको फजीलतें मिली, इनको नेमतें मिली, हत्ता के एक मौका पर तो इन्होंने अल्लाह ताला के सामने इजहार किया कि हमसे ये खाना पकाना ये चीज़ें नहीं होती, बड़ा मुश्किल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, अल्लाह ताला ने पक्के पकाए मन व सलवा खाने आ गए। इतनी इन पर अल्लाह ताला की करम नवाजियाँ। जब अल्लाह ताला ने इन पर इतना अपना फजल और इनाम फरमाया तो इस कौम ने आगे से क्या किया, अल्लाह ताला ने सब कुछ याद दिलाया इनको। وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, तुम याद करो उस दिन को तुम्हारी नाफरमानियों की वजह से जब अल्लाह ताला के हुक्म से तूर जो पहाड़ था वो तुम्हारे ऊपर सरों के ऊपर बिल्कुल आ गया, और जब तुम्हारे वो सरों के ऊपर आया तुम क्या कहने लगे, या अल्लाह हमें माफ कर दो, आइंदा हम नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने फौरन उस पहाड़ को दूर कर दिया, तुम्हें अल्लाह ताला ने बचा लिया। وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, कि जहां जिस घर के अंदर तुम दाखिल होते थे जब हमें तुमने कहा कि तुम इस मकान में दाखिल हो जाओ, तुमने वहां अल्लाह की नहीं मानी, अपनी मर्जी की। जब तुमने अपनी मर्जी की तुम फिर परेशान हुए। जहां जहां भी तुमने अपनी मर्जी की, मूसा अलैहिस्सलाम को जुटलाया, अल्लाह के पैगंबरों को जुटलाया, यहां तक के अल्लाह ताला फतह फरमाते हैं, वतक्तुलून अल अंबिया बगैर हक, तुमने ना हक हमारे पैगंबरों को कत्ल तक किया। बनी इसराइल वालों को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुमने यहां तक के हमारे पैगंबरों को ना हक बेकसूर उनको कत्ल कर दिया, तुम्हारे इतने बड़े जुराम हैं। और जब इनको अल्लाह ताला की तरफ से पैगामात आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इस्लाम की दावत देते तो ये क्या कहते, قولوا آمنا, हम तो ईमान लाने वाले हैं। वमा उन्ज़िला अलैना वमा उन्ज़िला अला इब्राहिम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल असबात, हम तो उन सारी चीज़ों पर ईमान लाते हैं, और बल्कि जो आप पर किताब नाजिल हो रही है हम उस पर तो ईमान लाएं, लेकिन जो हमारे आबा अजदाद पर किताब नाजिल हुई है उन पर भी हम ईमान लाते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अगर ये यही कहते हैं तो फिर इनसे आप को पूछो कि जो तुम तौरात पर ईमान ला रहे हो, जिस तौरात के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरा पैगंबर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए पैगंबर है, नबी है, आखिरी नबी है, इस पर ईमान लाओ, फिर उस बात को क्यों नहीं मानते। ये यहूदियों की पहले दिन से ये फितरत है, ये अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलते हैं। अगर इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक अहकामात इनको मिले, इन्होंने उस पर अमल किया, नहीं मिले तो क्या किया, इश्तरौ बि आयातिल्ला समनन कलीला, थोड़ी सी कीमत, मालदार लोगों से पैसा लेके ना, उलमा यहूद जो बनी इसराइल के उलमा थे, मालदार लोगों से पैसा लेकर उनकी मर्जी के अहकामात उनको बता देते और वही अहकामात तौरात के अंदर बदल देते, रद्दो बदल कर देते, अपनी मर्जी के अहकामात उसमें शामिल कर देते। ये धोखा देना और झूठ बोलना अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, ये इन बनी इसराइल वालों की, यहूदियों की पहले दिन से फितरत है। देखो इन्होंने धोखा दिया मूसा अलैहिस्सलाम को, इन्होंने धोखा दिया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को, इन्होंने धोखा दिया हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को, इन्होंने सबको धोखा दिया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी धोखा देना शुरू हो गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो मेरा अल्लाह वहीं उतार देता था, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारी बात खोल कर रख देते थे। जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कुलू आमन्ना, हम तो ईमान लाने वाले हैं, हम तो मानते हैं जो कुछ आप लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला फौरन इस चीज को वाजे कर देते हैं कि ये जो कह रहे हैं ना हम ईमान लाए, इनको कहो फइन आमनु बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फकद तदउ, इस तरह ईमान लाओ जिस तरह के मेरे पैगंबर पर ईमान लाने वाली जमात सहाबाए किराम है, यूं ईमान लाओ। ये नहीं जब ज़कात की बात हो भाग जाओ, जब सदकात की बात हो भाग जाओ, जब नमाज पढ़ने का हुक्म आए झूठ कर दो, इनकार कर दो।
और जब जिहाद का हुक्म आए, तुम कहो नहीं जी नहीं, हमारे तो घर खुले पड़े हैं, हम तो ये काम नहीं कर सकते, जिहाद करना बड़ा मुश्किल है। बात का मकसद और मफहूम यह है, पहला पारा अगर आप पढ़े, उस पहले पारे के अंदर अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा बनी इसराइल का जिक्र किया है। पहले पारे के अंदर सूरतुल बकरा में, वहां पर अल्लाह ताला ने इनको जो कुछ दिया सारी नेमतों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया। वइज वादना मूसा सलासीन लैला वइज अखदना मीसाकुम वरफाना फौकुमुत तूर वइज इस्तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नग़रिब बिअसाकल हजर वइज अखदना मीसाक बनी इसराइल ला ताबुदून इल्लल्लाह। ये सारी चीजें वइज कुलना दखुलू हाज़िहिल क़रिया, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने बार बार जिक्र किया। वइज याद करो, वइज याद करो उस वक्त को, वज़कुरू नेमतल्लाह जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर नेमत दी। अब ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें मिली, हम ये नहीं कहते इनको नेमतें नहीं मिली, ये आहले किताब है, ये आहले किताब है, इनका हम इनकार नहीं करते, लेकिन जहां अल्लाह ने इन पर नेमतें दी वहीं पर अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया वस्ताइनु बिसबर वस्सला, तुम सबर और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद हासिल करो। नमाज को जुटला रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को जुटला रहे हैं, और जी हमारे तो पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम है। ये वो दरार और लकीर और फर्क है जो यहूदियों के दरमियान और अहले इस्लाम के दरमियान अब तक चलती आ रही। वो कहते हैं कि जो हमारे पास बाइबल है तौरात, जो हमारे पास किताब है, हम तो उसी के मुताबिक चलेंगे, और जो उनके पास किताब है वो असल हालत में तो उन्होंने रहने नहीं दी, सारी उन्होंने अपने मालदार लोगों के हाथों बेच दी, अहकाम सारे बदल दिए। क्यों? अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं ना, वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला व इय्याया फत्तकून, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना कि तुम ना खरीदो चंद पैसों को दुनिया की दौलत को, अल्लाह ताला की आयात बेचकर, अल्लाह ताला के अहकामात बेचकर। और कितना इन्होंने खरीदा, कितना इन्होंने खरीदा, फरीकन कज़्ज़बू, कुछ तो अहकामात जुटला दिए, कुछ गिरोह जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कई अंबिया किराम के गिरोह इन्होंने जुटला दिए। वह फरीकन तक्तलून, और एक गिरोह जो अंबिया किराम की जमात थी उनको इन्होंने कत्ल ही कर दिया। और क्या क्या करते थे, वकालू कुलूबुना गुल्फ, और कहते हैं हमारे दिलों के ऊपर पर्दा है। बल्लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला कलीला, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो पर्दा है ना तुम्हारा, ये तुम्हारे कुफर की वजह से है। तुम जो मेरे नबी आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुड़लाते हो ना, ये तुम्हारे उस कुफर की वजह से तुम्हारे दिलों के ऊपर पर्दा है, और कोई वजह नहीं है। दीन का मजाक उड़ाते, उसी दिन से लेकर आज तक ये दीन का मजाक उड़ा रहे हैं। यही वजह है कि रमजान मुबारक का बाबरकत महीना आता है तो ये लोग अहले इस्लाम की जान के दुश्मन बनते हैं, अहले इस्लाम पर जुल्म सितम करते हैं, अहले इस्लाम के ऊपर हर लिहाज से ये जुल्म सितम करने के लिए पूरे अपने जतन करते हैं। उसी की करीब ही आपने देखा कि रमजान मुबारक का महीना बाबरकत महीना, मुसलमान फलस्तीन में इबादत कर रहे हैं और इन यहूदियों ने उनके ऊपर जुल्म सितम किया, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इन्होंने फायरिंग की, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बमबारी की। तो ये अब ये मैं आप हजरात के सामने बात वादे कर दूं कि हमारे सामने ये पोजीशन कई सालों से है, उसके बावजूद ये हिकमत अमली अमन का पैगाम और बसीरत के साथ चलना, ये लोग हमें जो दावत देते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुलह हुदैबिया देखो यार, ये हमें गुमराह करने के लिए। बात तवज्जो से समझना, लोग हमें क्या कहते हैं कि आप सख्त बात ना करो, आप तो मुसलमान हो, आपके पैगंबर ने तो काफरों के साथ भी मामलात किए,
آپ کے پیغمبر نے تو کافروں کے ساتھ معاہدات کیے، صلح حدیبیہ پڑھو نا، کہتے ہیں نا، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ان معاہدات پر عمل کریں گے جیسے ہمارے پیارے پیغمبر نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کیے، ہم انکار نہیں کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ معاملات کیے، ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ایمان والو تم کبھی بھی اسلام دشمنوں کو اپنا دوست نہ بنانا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی، اے ایمان والو ان لوگوں کے پیچھے کبھی نہ چلنا جو تمہیں دین اسلام سے مرتد کرتے ہیں، اسلام سے پھیرتے ہیں، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، تمہارے پاس آئیں گے لوگ، یہ وہ بات ہمیں کہتے ہیں لوگ صلح حدیبیہ کو یاد کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امن کے پیغام کو یاد کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کو یاد کرو، ہمارا پیغمبر تو اتنا شفیق تھا، ہم بھی شفیق ہیں، ہم ان کی صفت کا انکار نہیں کر رہے، ہم تو ان کے عالی اخلاق کے مطابق چل رہے ہیں، کتنے سال ہو گئے ہم ان پریشانیوں میں، ان مصیبتوں میں، آل اسلام ظلم و ستم کا نشانہ کشمیر، فلسطین، برما، دیکھو کیا ابھی بھی ہماری طرف سے صلح کا پیغام نہیں ہے؟ کیا ہے؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، تمہارے پاس کچھ قوم کے لوگ آئیں گے اور تمہیں آ کر ایک دوسرے کی محبت کی دعوت دیں گے، کس لیے؟ مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِ، تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، تمہیں تمہارے مذہب سے پھیر دیں، يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم جب جہاد کرو گے اللہ کے راستے میں، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، تم خوف نہ کرنا ان چیزوں کا جب لوگ آ کر کہہ رہے ہوں گے او جی اب پاکستان تو ہے، امن کا خیال رکھنا چاہیے، امن کا پیغام دینا چاہیے، اگر وہ ظلم کر رہے ہیں تو کیا ہم بھی ظلم شروع کر دیں؟ اس کو ظلم نہیں کہا جاتا، یہ ہے لومت علائم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ آ کر تمہیں ملامت کریں گے، او یار تم کیا جہاد کر رہے ہو، یہ کیا اللہ کے راستے میں تم لڑ رہے ہو، چھوڑو ان باتوں کو، امن کی بات کرو، محبت کی بات کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی بات کی، صلح حدیبیہ معاہدہ ہو گیا کہ آج کے بعد کوئی کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا، اور اگر مشرکین مکہ قریش والوں کے ساتھ کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی قبیلہ مل جاتا ہے، معاہدہ کر لیتا ہے، ان کے ساتھ اتفاق کر لے گا، وہ بھی ان کے ساتھ ہی شمار ہوگا، اگر مسلمانوں کے ساتھ، اہل مدینہ کے ساتھ کوئی گروہ اگر مل گیا تو وہ گروہ بھی مسلمانوں کا ہی شمار ہوگا، لہٰذا کوئی ہمارے گروہ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور نہ ہی ہم کافروں کے کسی بھی فرد کو کوئی نقصان پہنچائیں گے، 10 سال تک معاہدہ ہو گیا، ابھی 2 سال گزرے، قبیلہ بنی بکر، انہوں نے قبیلہ بنی خزا والوں پر چڑھائی کر دی، ان کی دشمنی تھی، اب قبیلہ بنی بکر تھا مشرکین مکہ کے ساتھ، قبیلہ بنی خزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے ہوئے تھے، معاہدہ ہوا تھا نا کہ جو گروہ جس کا ہوگا وہ اسی کے ساتھ رہے گا، اور درمیان میں کسی قسم کی کوئی وعدہ خلافی نہیں ہوگی، امن کا پیغام تھا نا، ہم مانتے ہیں صلح حدیبیہ کو، ہم نے کب انکار کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان معاہدہ تھا، قبیلہ بنی بکر نے معاہدہ توڑ دیا، قبیلہ بنی خزا پر چڑھائی کر دی، ان کے ایک فرد کو انہوں نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا، اب وہ اپنے علاقے میں قتل ہو رہا، حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے ٹائم وضو فرما رہے ہیں، اب وضو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لبیک، پھر فرمایا لبیک، پھر فرمایا لبیک، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے؟
क्या जिब्रील आए थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। आज मुशरिकीन ने अपना मुआहदा तोड़ दिया, एक शख्स को बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा है और वो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। मैंने उसके जवाब में कहा मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। मैंने तीनों बार उसको जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के पास आए, सारी बात खुल गई, पता चल गया कि मुशरिकीन मक्का का जो एक कबीला है, कबीले बनी बकर, उन्होंने मुआहदा तोड़ दिया और उन्होंने मुसलमानों पर, मुसलमानों के एक गिरोह पर चढ़ाई कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की मुशावरत से पैगाम भेजा मुशरिकीन मक्का, तीन शर्तें हैं, अब भी तुम्हें मौका दे रहे हैं। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन का पैगाम दिया, हम उसी के मुताबिक तो कई दिहाइयों से ये जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। सुलह हुदैबिया की हमें दावत देते हैं, को समझे तो सही, को पढ़े तो सही। ये उन्होंने मुआहदा तोड़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन शरायत पेश की। नंबर एक, जिसको कत्ल किया गया उसकी दियत अदा करो। नंबर दो, जिन्होंने, जिस कबीले वालों ने उनको कत्ल किया उनके साथ मुशरिकीन अगर हमारे साथ मुआहदा रखना चाहते हो तो उनके साथ सारे ताल्लुकात खत्म करो। क्यों? उन्होंने हमारा मुआहदा तोड़ा है ना, वादा तोड़ दिया उन्होंने। तीसरी शर्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर कुछ मंजूर नहीं, सुलह हुदैबिया वाला मुआहदा आज से खत्म, हम पे जो चाहे करें। मुशरिकीन मक्का ने जवाब दिया हमें आपकी कोई शर्त मंजूर नहीं है। एक काफर होते ही बदबख्त ऐसे हैं, ये जो वादे करते हैं ना, ये उस वक्त करते हैं, मुजाकरात मुशरिकीन और काफिर यहूदी उस वक्त करते हैं जब ये हार रहे होते हैं, जब इनको शिकस्त नजर आ रही होती है, उस वक्त ये मुजाकरात पे आते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन्होंने ऐलान कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जमात सहाबाए किराम के साथ मदीना तैयबा लौट आए। अब मदीना तैयबा पहुंचे, मुशरिकीन बड़े परेशान हुए, ये हम क्या कर बैठे। अपने सरदारों को भेजा, जाओ यार मदीने में जाके उनसे राब्ता करो, मुजाकरात करो, इन्होंने तुम्हारी ऐसी तैसी फेर देनी कि इनका जो पैगंबर है तो लश्कर लेकर आ जाएगा हमारे ऊपर। जिहाद से काफिर डरता है, मुसलमान खुद बुजदिल है, काफिर बहादुर नहीं होता, काफिर बहादुर नहीं होता। मुसलमान बुजदिल हो जाए तो वो अलग बात है, काफिर हमेशा डरपोक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादा तोड़ दिया उन्होंने। सुलह हुदैबिया की हमें दावत देने वालों, ये बात तवज्जो से सुन लो, जिन्होंने सुलह हुदैबिया का मुआहदा तोड़ा, मेरे प्यारे पैगंबर को अल्लाह ने उस मुआहदा टूटने की बरकत से फतह मक्का वाली अजीम फतह अता फरमाई। कदम उठाओ तो सही, आगे फतह पड़ी है, आगे फतह है मैदान में। सुलह हुदैबिया हुई, मुआहदा हुआ, मुशरिकीन ने वादा तोड़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वादा को तोड़ने की वजह से अपनी जमात के साथ उन पर चढ़ाई की, अल्लाह ने फतह अता फरमाई, मक्का फतह हुआ। आज तक मक्का फतह है। हम तो कहते हैं अमन की बात करो, अमन की बात कर रहे हैं। सुलह हुदैबिया, हम कई दिहाइयों से मार खा रहे हैं, फलस्तीन में, कश्मीर में, बर्मा में, हमने कितने मुआहदात किए। ये जो अक्वामे मुत्तहिदा है ना, ये मुसलमानों के लिए फकीर गाह है, यहां आकर भिखारी बन के हमसे भीख मांगो कि हमारे खून माफ कर दो। हम किसने भीख मांगे? ये वो वजह है जिहाद फी सबीलिल्लाह को छोड़ने की। अगर जिहाद को छोड़ा, जाके वहां भीख मांगते हैं, भीख मांगो, फिर यही लोग उनसे तआवुन करते और हमें कहते हैं अमन की बात करो, हम उनसे मुजाकरात करेंगे, उनको समझाएंगे और खून हमारा बह रहा है। सुलह हुदैबिया की दावत तब दो जिन्होंने मुआहदा तोड़ा, जिनको मेरे नबी ने सबक सिखाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आले इस्लाम को अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी फतह अता फरमाई। जब वो मुआहदे नहीं रखते, मुआहदात को तोड़ते हैं, बार बार मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, तो हमारी तरफ से भी कदम उठना चाहिए ना, क्यों नहीं, हमारी तरफ से भी कदम उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा करो ना, जब काफर मुआहदा तोड़े मैदान में आओ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक मैदान में आओगे, अल्लाह ताला फतह अता फरमाएगा और वो फतह तुम्हारे सामने मिसाल है। जब पहल दुश्मन ने की, मेरे नबी ने सबक सिखाया, आज तक मक्का फतह है। तुम भी जरा पहल करो, अल्लाह ताला इंशाल्लाह फतह देगा। अल्लाह ताला आले इस्लाम को इन मजलूम मुसलमानों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।